अबे शुरू कर दिया क्या? हेलो एंड नमस्ते यंगिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मॉडरेटर और टाइम कीपर, और आज की डिबेट में हम वंस एंड फॉर ऑल सेटल करने वाले हैं कि इज इट वर्थ बाइंग द कोर्स 1% क्लब बाय नॉन अदर देन योर मैन फाइनेंस विद शारा। आई रियलाइज दैट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कैन मेक और ब्रेक योर लाइफ। स्पीकिंग फॉर द कोर्स टुडे वी हैव करण, 31 इयर्स ओल्ड, BTech from DTU, MBA from SPGEN. Corporate guy, हाँ, married guy. But जो पिछले 6 साल से अपना सारा पैसा bank accounts और अरमानी की घड़ी में लगा रहा है। ऐसा मत करो मेरी जान, life में कुछ अच्छा करो यार। And on the other side, speaking against, we have Charan, जो DU से अभी कॉलेज क्रॉस करके पहली जॉब में लगे हैं, और पहले तो शरण हेगड़ी काफी किताबों में इन्वेस्ट करा करते थे, लेकिन आजकल पैसे खर्चने हैं पार्टीज, रमी एप्स, पोकर एप्स, स्टारबक्स गोल्ड मेंबर प्रोग्राम्स। ओके, तो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। इस पूरे कोर्स को हम 5 पैरामीटर्स पे जज करेंगे ऑन अ रेटिंग स्केल ऑफ 1 to 10। आप दोनों को 30-30 सेकंड लगभग दिए जाएंगे अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, एंड टुवर्ड्स द एंड वी विल कन्वर्ज कि अगर आपको ये कोर्स खरीदने का सोच रहे थे तो क्या ये वर्थ है या नहीं। नंबर 1, कोर्स का स्ट्रक्चर एंड कंटेंट क्वालिटी। जब बात आती है कंटेंट स्ट्रक्चर की, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि ओवरऑल इन्होंने जो पोर्टल बनाया था उसमें क्लियरली सबसे पहले बाइफर्केटेड था सारे लेसन्स स्टॉक मार्केट और अदर्स की तरफ, जिसमें अदर्स में म्यूचुअल फंड, टैक्सेस, ओवरऑल पर्सनल फाइनेंस, सारा एक एक करके ऑर्गेनाइज था, और वो भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी में, कि बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस। तो मुझे इसका ओवरऑल कोर्स स्ट्रक्चर और क्यूरिकुलम कॉम्प्रिहेंसिवनेस मुझे तो अच्छी लगी थी। वो तो भाई ये कोर्स मोर सो बिगिनर्स के लिए है। अगर आप 18 से 24 साल के हैं, अगर नई आपने कमाई शुरू करी, आपको पता भी नहीं है कि कहां लगानी। मैं 30 साल का था लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि भाई म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करे जाते हैं। तो एटलीस्ट उस लेवल से बिगिनर फ्रेंडली कोर्स तो बहुत अच्छा है। कितनी डेप्थ एक्सपेक्ट करेगा भाई? उसके प्रोप्राइटरी टूल्स ने, जो उन्होंने कैलकुलेटर्स बनाए हैं, एटलीस्ट उसने मुझ जैसे इंसान को हेल्प करी कि एक्सेल शीट पे एटलीस्ट देखने की कि भाई ये पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और कहाँ जाना चाहिए और कितना आना चाहिए, उसका तो ड्यू मिलेगा ना। ओके, आई थिंक ओवरऑल 8/10। नंबर 2, यूजर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ ऑडियो एंड वीडियो प्रोडक्शन क्वालिटी। भाई यहाँ तो मत पूछो यार, मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आया इस बात की वजह से, क्योंकि यार 15,000 रुपए मैंने दिए थे इस वाले कोर्स के लिए। भाई मोस्ट ऑफ द वीडियोस आर शॉट इनसाइड इस बेडरूम, ऐसा लग रहा है। मैं एयरपॉड्स लगा के कानों में रातों भर सुनता था यार, ऑडियो क्वालिटी इतने बढ़िया नहीं है। देख सारा पंगा है कि अगर मैं इतना पैसा दे रहा हूँ ना, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यार जब अपने कोर्स शूट कर रहा हूँ ना, तो एटलीस्ट टॉप नॉच क्वालिटी ऑडियो, टॉप नॉच क्वालिटी वीडियो, इतना तो बेसिक हाइजीन एक्सपेक्टेशन होगा ना एक कोर्स के साथ की नहीं। प्रोडक्शन क्वालिटी से मैं नहीं खुश था भाई, बुरा नहीं मानना। भाई अली अब्दाल वारिकू के कोर्सेज जाके देखो जो उन्होंने शूट करे हैं, क्या पटाखा शूट करते हैं ब्रो, अलग से स्टूडियो रेंट पे लेके ब्रो, स्टूडियो रेंट पे ले। भाई 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 सुन, अली अब्दाल वगैरह के जो कोर्सेज थे ना, उसमें अगर इतने प्रोडक्शन वैल्यू अगर लगाएंगे तो इस कोर्स का कॉस्ट पता है फिर 1,00,000 रुपए तक जाएगा। अली अब्दाल का कोर्स 50,000 रुपए तक से ज्यादा का था। यहाँ भी फाइनेंस ही है, जितना सारा प्रोडक्शन इक्विपमेंट एक पर्टिकुलर कोर्स को शूट करने में ही अगर लगा देंगे यार हाई फाई बजट, उतना अल्टीमेटली फिर हमें भी ज्यादा ही पड़ता ना कोर्स, सोच। ओके ओके ओके, 6/10। नंबर 3, टीचिंग स्टाइल। मैं टीचिंग स्टाइल तो बेस्ट था यार, शरण का बेस्ट स्टाइल है, मेकिंग फाइनेंस जो सिंपल एंड मेकिंग फाइनेंस फन जो कहा जाता है, वो पूरी तरह से उसने अच्छे से किया। भाई ऐसा लग ही नहीं रहा था कोई टीचर, मेंटर, गुरु, कोच सामने बैठ के सिखा रहा है, ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे से 2 साल आगे वाले बड़े भैया हैं, साथ में बैठ के जो फाइनेंस के कॉन्सेप्ट जो हमेशा आपको कंफ्यूज रहते हैं ना सीए लोगों से, एटलीस्ट वो आसान भाषा में समझा रहे। भाई टीचिंग स्टाइल फनी तो था यार, लेकिन यार फाइनेंस का कोर्स है यार, थोड़ा मेच्योरिटी से बात करो, थोड़ा प्रोफेशनल अंदाज में बात करो यार, मतलब भारी बातें हो रही हैं, ये फनी और फंडू स्टाइल क्या होता है। अब फिर से बाकियों का एग्जांपल ले लो, किताबें ही देख ले भाई, ये होता है, ये येलो पे ब्लैक से लिखो या ब्लैक पे येलो से लिखो बाकी क्रिएटर की तरह, ये क्या है यार, ये लाल लाल ही, यहाँ पे भी फनी और मैच्योर होना चाहिए यार, फाइनेंस की बात कर रहे हो आप। ओ भाई वही तो नहीं करना है, इतना मैच्योर अंकलों वाले तरीके से नहीं सीखना भाई, नहीं समझ आते वो जार्गन हमें, तो चिल भाषा में ही सीखा, वही चाहिए था। ओके गाइस, वी हैव अ रेटिंग एट 9/10, राइट, 9/10। नंबर 4, वैल्यू फॉर मनी। भाई मुझे लगा एक्सपेंसिव कोर्स, मेरे टाइम पे 15,000 का कोर्स था ये, अगर मैं अभी अभी कॉलेज से निकला हूँ, अभी अभी फर्स्ट जॉब लगी है, भाई 15,000 मेरे को थोड़ा महंगा फटका लगेगा भाई। और रही बात चरण के यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे जाके पिछले 2 साल की रील्स और अगर एक एक यूट्यूब वीडियो एक एक शॉट देख लें, तो यार सारा सामान मोस्टली तो यार वहाँ पे है ही ना छुपा हुआ।
कोर्स लेने की क्या जरूरत है? देख मुझे पता है 15,000 रुपए का कोर्स अगर हमने लिया है वो अलग बात है, लेकिन कोर्स का मतलब ही होता है कि 2 साल का कंटेंट जो है वो कंडेंस करके 2 घंटे का कोर्स बनाया जाता है। दुनिया में कोई भी कोर्स उठा लेगा उसका फंडा सेम ही है। मैं मान रहा हूँ कि फ्री का कॉन्टेंट यूट्यूब और इंस्टाग्राम रील से बैठा है, बट तेरे पास अगर इतना टाइम है इन्वेस्ट करने का तो बिल्कुल जा सकता है। भाई मेरा वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, इतना मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं तो चाहता हूँ कि 2-4 दिनों में ये अलग अलग 2-2, 3-3 घंटे के मैं कोर्सेज अटेंड करके एक ही बारी में सब सीख लूँ। और वहां आता है वैल्यू फॉर मनी, तो उस वे से वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि आपका सदियों का टाइम बच रहा है। सोच, isn't it odd to learn about money? I gave him money, I lost the money, he gained money. To make more money, I gave money. I should have invested, not spent. अरे कहना क्या चाहते हो? फिर भाई सोच की गलती। भाई माना कि ये कोर्स लेने के बाद अगर तू बचा हुआ पैसा अपने जिंदगी भर का कमाने वाला, ये जान जाएगा कि कहाँ पे लगाना चाहिए, और उस नॉलेज की वजह से आपका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा अगर रहेगा तो सोचो ना, पैसा बढ़ाने के लिए थोड़ा पैसा कोर्स पे लगाना तो सीखो। यार ऐसे लॉजिकल आर्गुमेंट्स दोगे तो मैं नहीं खेल रहा फिर। 7 on 10 And finally, number 5, community, networking, interaction and support. Anyone? ये तो winning point था भाई, community, उनकी particular website पे वो खुद ही कहते हैं कि 1% course नहीं है, 1% club है। club का मतलब होता है community। वहाँ पे इतने सारे लोग थे जिनसे रोजमर्रा की जिंदगी में मैं question doubts पूछा करता था, कभी mutual fund से related, कभी एकदम silly stupid doubts, और लोग आके reply करा करते थे। उससे इतनी help मिलती थी नहीं है और रहेगी, क्योंकि इस तरह के लोगों के साथ मैं हमेशा अगर इनकी community apps के through जुड़ा रहूंगा तो सोचो ना एक tribe बन जाएगी, जो आप सीखना चाहते हो, जो तुमसे 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, सब एक दूसरे को लेते हुए चलो। भाई ये community से मुझे क्या कहना, भाई मैंने जो भी कोर्स लिए हैं सिर्फ किताब की तरह अपना पढ़ो और निकलो यार। बाकी सारे लोगों से गप्पे मार के क्या करना, मैंने कोर्स दूसरे लोगों से कनेक्ट होने के लिए करा है, क्या करना नेटवर्किंग है? यही तो रह गया बेटा चरण, आप कम्युनिटी इज एवरीथिंग। ओके सो 10 on 10 on that। वाओ, सो नेट मोटा मोटी जैसे कहते हैं इस कोर्स को मिलते हैं 8 on 10। अगर आप बिल्कुल भी फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है तो डेफिनेटली एन 8.5 on 10। पर क्या आपको पता था इस तरह की और बुक और कोर्स रिव्यूज के लिए यू कैन सी प्रोडक्टिविटी विद कलम। हाउ ओरिजिनल। मैं कर रहा हूं कुछ ओरिजिनल ट्राई, आज आएगा।